दोस्तों, आप लोग का मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपका भी आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। आपको बताएंगे कि आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, पता, जन्म तिथि कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और इस चैनल पर पहली बार आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए लाऊं आपके मोबाइल पर ही नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारे वीडियो को आप आसानी से देख पाएँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और मैं जो बातें बताऊंगा उस बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आप अपने आधार कार्ड में अपना जो भी आपको डिटेल्स डाटा अपडेट करना है वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप काफ़ी आप भागा भागम करते हैं कि हमारा आधार कार्ड में जो डाटा अपडेट करना है हो जाए। दोस्तों, आपके आपको काफ़ी दुकानों की चक्कर भी लगाना पड़ता होगा और आपका जो आधार कार्ड में डेटा है वो आपका अपडेट नहीं हो पा रहा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्या करिएगा कि आप अपने मोबाइल में UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट है आधार कार्ड का, ये आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसे आप ओपन करते रहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा होगा कि ऐसा एक पेज देखने को मिल रहा होगा, ये है ऑफिशियल वेबसाइट आधार कार्ड का। तो दोस्तों, करना क्या है कि ये आपको यहाँ से कट कर देना है और आना क्या है माई आधार, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, myadhar.uidi.gov.in पर आपको करना क्या है कि इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो एक आ जाते हैं एक नया पेज पर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, करना क्या है कि आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ से अपना आधार नंबर को फिल करिएगा और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आप इस कैप्चा कोड को फिल करके सेंड OTP पर क्लिक करिएगा। तो दोस्तों देखिए, आपके आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर मौजूद होगा तो उस पर एक OTP आएगा और OTP जैसे आप फिल करते हैं कर देते हैं तो देखिए, पहले ये था कि आप अपने नाम को भी चेंज कर सकते थे, पता को भी चेंज कर सकते थे, जन्म तिथि को भी चेंज कर सकते थे और मोबाइल नंबर तो चेंज करने का ऑप्शन इसमें नहीं था, लेकिन ये आप चेंज कर सकते थे। लेकिन इनको हटाकर सिर्फ आपको एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। तो दोस्तों देखिए, करिए क्या, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पहले से मौजूद है तो आप यहां से अगर आप एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। मैं उसका वीडियो बना दिया हूं, तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, अब आपको बताते हैं कि आप अपने आधार कार्ड में नाम को कैसे चेंज कर पाएंगे, पता कैसे चेंज कर पाएंगे, मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर पाएंगे, जन्म तिथि को कैसे चेंज कर पाएंगे। चलिए, ये अब आपको बताते हैं। ये पेज को काट देता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, थोड़ा स्क्रॉल मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों, करना क्या है कि बुक एन अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख देख पा रहे होंगे कि बुक एन अपॉइंटमेंट फ्रेश आधार कार्ड इनमें, यानी जिनको आधार कार्ड नया बनवाना है वो यहाँ से आधार कार्ड को भी बनवा सकते हैं। अगर आप अपना आधार कार्ड में नेम को अपडेट करना चाहते हैं तो नेम अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाएगा, जेंडर भी आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट हो जाएगा, बायोमेट्रिक फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, आयरिस, जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं वो अपडेट हो जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए लिखा है कि बुक एन अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र। तो दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेना है और आप जिस भी सिटी से रहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि आपका सिटी इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना सारा सिटी इसमें डाला गया है अभी, तो दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस भी आप सिटी से रहते हैं उस सिटी को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको अपना सिटी सेलेक्ट करके अब आगे आपको दिखाऊंगा कि करना कैसे है आपको। तो दोस्तों देखिए, जो अभी छोटा सिटी है आपके, यानी जो ज़िला होगा वो अभी दिखा नहीं रहेगा, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो बड़े बड़े
सिटी है वही अभी इसमें डाला गया है। तो चलिए मैं अपना सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पर आपको करना क्या है कि क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। और करना क्या है कि अगर आप आधार अपडेट करवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड अपडेट के लिए इस पर क्लिक रहने देना है। अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना है तो आपको करना क्या है कि न्यू आधार पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों चलिए आपको बता रहे हैं हम कि आधार अपडेट करवाना है और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को भी फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर फिल करना है और कैप्चा कोड को फिल कर लेना है। जैसे आप ये सब कर लेते हैं तो दोस्तों करना क्या है कि जनरेट ओटीपी यानी आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिल करके आपको करना क्या है कि जो जो भी आपको अपडेट करना है। तो चलिए मैं अब आपको आगे करके दिखाता हूँ। तो देख पा रहे होंगे कि मैं अपने मोबाइल पर ओटीपी को सेंड कर दिया हूँ और मैं यहाँ पर ओटीपी को क्या करूँगा कि वेरीफाई करूँगा। तो चलिए ओटीपी भी वेरीफाई कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए हो गया है हमारा ओटीपी वेरीफाई हो गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर आप NRI हैं तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर रेजिडेंट यानी आप इंडिया से रहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं किया क्या था कि अपडेट पर क्लिक किया था। और चलिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो भी आपको आधार कार्ड में अपडेट करवाना है वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कीजिएगा। जो आपके मोबाइल जो आपके आधार कार्ड में नाम होगा वो इसमें फिल कर लेना है। और यहाँ पर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप लिखा गया है तो डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट ही रहने देना है। और यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टेट को अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको आगे भी दिखाता हूँ कि कैसे सब होता है। और यहाँ पर अपना सिटी सिलेक्ट करिएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सिटी आपके स्टेट में दे रहा होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो आधार सेवा केंद्र है यहाँ पर देखिए कि एक आधार सेवा केंद्र दिखाई दे रहा है ASK वाराणसी। तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और ये आधार कार्ड नंबर नेम आप आधार ये इस डालकर आपको करना क्या है कि नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए ये भी करके आपको दिखा देते हैं अभी। तो दोस्तों देखिए जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको क्या अपडेट करवाना है। अगर आप अपना नाम अपडेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए नाम अपडेट करवाने के यहाँ पर जो चार्जेस है ₹50 लग रही है। यहाँ पर देखिए अगर जेंडर सिलेक्ट कराना है, न्यू मोबाइल नंबर सिलेक्ट कराना है, ईमेल आईडी अगर आपको अपडेट कराना है, एड्रेस अपडेट कराना है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाना है या बायोमेट्रिक जो फ़ोटो वोटो होता है वो आपको सिलेक्ट चेंज करवाना है तो देखिए आपका ₹50 और बढ़ जाता है। आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि जो आपका नाम है वो सिलेक्ट कीजिएगा, जन्म तिथि को सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपको चेंज करवाना है आप यहाँ से चेंज करके आपको करना क्या है कि पेमेंट देना है। आप ऑनलाइन पेमेंट देकर आपको करना क्या है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाएगा। और आप उस जगह पर जाकर जहाँ पर आपको लोकेशन डाला गया है आधार सेवा केंद्र का वहाँ पर जाकर आप अपना आधार कार्ड में जो भी अपडेट करवाना चाहते हैं अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपको अपडेट करवा लेना है। आपको ज़्यादा दुकान के चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये करिए अगर आपके आपका आधार कार्ड में जो भी अपडेट नहीं हो रहा है इस तरीके से आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही जानकारी थी जो आपको बतानी थी। अगर आप भी आधार कार्ड को लेकर परेशान थे तो दोस्तों ये काम आप ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाऊं आपके मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।